हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं ब्रह्मास्त्र क्लासेज, जिसमें कुल 100 प्रश्न हल करवाए जाएंगे, जो आप सबकी आगामी परीक्षा KVS, UPTGT, PGT आदि परीक्षाओं में यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सहयोगी साबित होंगे। तो यह आज ब्रह्मास्त्र सीरीज जो है आज की दूसरी क्लास है। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न, जो आप सबके सिलेबस के अनुसार ही इसमें प्रश्न रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की दूसरी क्लास का ब्रह्मास्त्र की पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, गगनेंद्रनाथ ने किन चित्रों में कुशलता दिखाई? ए व्यक्ति चित्र, बी भित्ति चित्र, सी प्राकृतिक चित्रण, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 101 यानी प्रश्न संख्या एक का आंसर होगा ऑप्शन सी। गगनेंद्रनाथ ने प्राकृतिक चित्रण में विशेष कुशलता दिखाई है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रिंसिपल थे? ए लॉकवुड किपलिंग, बी ईवी हैवेल, सी अवनींद्रनाथ, डी इनमें से कोई नहीं। तो सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रिंसिपल थे लॉकवुड किपलिंग। अगला प्रश्न है, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई? कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? ए 1932, बी 1952, सी 1942, डी 1940। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1942 में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, किसके प्रयत्नों से कलकत्ता ग्रुप की स्थापना हुई थी? ए प्रदोष दासगुप्त, बी ईवी हैवेल, सी हैबर, डी बेंद्रे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रदोष दास गुप्त के प्रयत्नों से कलकत्ता ग्रुप की स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इससे पहले प्रश्न था कलकत्ता ग्रुप के बारे में, अब आ गया है कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना कब हुई थी। ए 1856, बी 1854, सी 1872, डी 1866। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1854 में कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बम्बई आर्ट सोसाइटी की स्थापना फेरेस्ट ने कब की? ए 1888 में, बी 1828 में, सी 1885 में, डी 1825 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1888 में बम्बई आर्ट सोसाइटी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, बम्बई के कलाकारों ने किस तकनीकी में कार्य किया? ए भारतीय तकनीकी, बी विदेशी तकनीकी, सी ईरानी तकनीकी, डी जापानी तकनीक। तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बम्बई के कलाकारों ने विदेशी तकनीक में कार्य किया, इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, झनक झनक पायल बाजे और बैजू बावरा की कलात्मक सज्जा का कार्य किस चित्रकार ने किया? ए हैबर, बी बेंद्रे, सी कनु देसाई, डी हुसैन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनु देसाई। झनक झनक पायल बाजे और बैजू बावरा की कलात्मक सज्जा का कार्य कनु देसाई ने किया था, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, मुर्गे की लड़ाई किस कलाकार ने बनाया? मुर्गे की लड़ाई नामक जो कलाकृति है उसके चित्रकार कौन है? ए हैबर, बी अवनी, सी अमृता, डी सूजा। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैबर द्वारा चित्रित किया गया है मुर्गे की लड़ाई। अगला प्रश्न है, बंगाल में दुर्भिक्ष का समय क्या था? तो बंगाल में दुर्भिक्ष का समय क्या था? ए 1942 से 50, बी 1933 से 1934, डी 1932 से 1933, सी 1941 से 1942। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल में दुर्भिक्ष का समय 1933 से 1934 का था। अगला प्रश्न है, कलकत्ता ग्रुप के कलाकारों को क्या कहकर पुकारा गया? ए अमानवतावादी, बी मानवतावादी, सी समीक्षावादी, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानवतावादी कहकर पुकारा गया था कलकत्ता ग्रुप के कलाकारों को। अगला प्रश्न है, चांदनी रात किस कलाकार का चित्र है? तो चांदनी रात नामक जो कलाकृति है उसके चित्रकार कौन है? ए गोपाल घोष, बी एनसी घोष, सी कनु देसाई, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रश्न संख्या 12 का आंसर होगा ऑप्शन ए, गोपाल घोष की कलाकृति है चांदनी रात। चांदनी रात के चित्रकार हैं गोपाल घोष। अगला प्रश्न है,
माँ से विदा लेते चैतन्य, माँ से विदा लेते चैतन्य किसका चित्र है? ए छितेंद्रनाथ मजुमदार, बी कनु देसाई, सी मंजीत बाबा, डी अमृता शेरगिल। तो अगर चैतन्य महाप्रभु के चित्रों की बात आए तो इसका सीधा सा आंसर होगा छितेंद्रनाथ मजुमदार। इन्हें चैतन्य सिद्ध भी कलाकार कहा जाता है क्योंकि यह जो है चैतन्य महाप्रभु के ऊपर बहुत सारी पेंटिंग या चित्र रेखा चित्र बनाए हैं, तो इन्हें चैतन्य सिद्ध के नाम से भी जाना जाता है कि चैतन्य सिद्ध कलाकार। तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माँ से विदा लेते चैतन्य नामक चित्र किसका है? तो छितेंद्रनाथ मजुमदार का। अगला प्रश्न है संथाल परिवार, संथाल परिवार किसका मूर्ति शिल्प है? ए डीपी राय चौधरी, बी रामकिंकर बैज, सी असित कुमार हल्दर, डी हुसैन। तो संथाल परिवार नामक मूर्ति शिल्प जो है वह डीपी राय चौधरी का है कि रामकिंकर बैज का, यह दोनों मूर्तिकार हैं और बाकी असित कुमार हल्दर और हुसैन यह चित्रकार हैं। तो ऑप्शन ए और बी में से आपको पहचानना है कि संथाल परिवार किसका मूर्ति शिल्प है। तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर होगा ऑप्शन बी, संथाल परिवार की बात है तो जो मूर्ति शिल्प है वह रामकिंकर बैज का होगा। इसमें आप सबको बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता होगा लेकिन याद रखिएगा संथाल परिवार मूर्ति शिल्प की बात हो तो हमेशा रामकिंकर बैज सही होगा। अगला प्रश्न है नेपाली लड़की किसका चित्र है? ए डीपी राय चौधरी, बी नंदलाल बोस, सी गगनेंद्रनाथ, डी रविंद्रनाथ। तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाली लड़की नामक जो चित्र है वह डीपी राय चौधरी का चित्र है। अगला प्रश्न है सन्यासी वेश में बुद्ध किसने चित्रित किया? सन्यासी वेश में बुद्ध नामक जो चित्र है उसके चित्रकार कौन है? ए पुलिन बिहारी दत्त, बी सूजा, सी बेंद्रे, डी हेबर। तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुलिन बिहारी दत्त द्वारा चित्रित किया गया है। सन्यासी वेश में बुद्ध नामक जो चित्र है इसके चित्रकार हैं पुलिन बिहारी दत्त। अगला प्रश्न है वह भारतीय चित्रकार कौन है जो पाश्चात्य शैली से प्रभावित है? ए राजा रवि वर्मा, बी अमृता, सी नंदलाल, डी यामिनी राय। तो इसमें थोड़ा ऑप्शन हमें डाउटफुल है दो, क्योंकि इसमें अमृता शेरगिल और राजा रवि वर्मा यह दोनों कलाकार पाश्चात्य शैली से प्रभावित हैं। तो इसका आंसर फिलहाल UGC में यह प्रश्न आया था पुरानी परीक्षाओं में, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए माना है, परंतु इसमें जो है हमें दोनों सही लग रहे हैं। अमृता शेरगिल भी पाश्चात्य शैली से भारतीय विषयों को चित्रित किए हैं और राजा रवि वर्मा भी। तो इसमें अगर ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो ऑप्शन सबसे पहले ऑप्शन ए ही आता है, तो इसलिए शायद ऑप्शन ए लगवाया हो। तो फिलहाल इस प्रश्न को आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में क्लियर करिएगा कि इसमें दोनों हो सकता है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 यक्ष पत्नी किसका चित्र है? यक्ष पत्नी नामक जो चित्र है उसके चित्रकार कौन है? ए हुसैन, बी राजा, सी सूजा, डी शैलेंद्रनाथ डे। तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शैलेंद्रनाथ डे। अगला प्रश्न है पक्षी के लिए नारी का चित्रण किसने किया? ए गणेश पाइन, बी सूजा, सी गगनेंद्र, डी राजा। तो प्रश्न संख्या 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पक्षी के लिए नारी नामक जो चित्र है उसके चित्रकार हैं गगनेंद्रनाथ टैगोर। तो प्रश्न संख्या 19 का सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, प्रारब्ध नामक चित्र किसका है? प्रारब्ध नामक चित्र के चित्रकार कौन है? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी ईवी हेवेल, सी असित कुमार हल्दर, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 20 का आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रारब्ध नामक चित्र असित कुमार हल्दर का है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, गगनेंद्रनाथ ठाकुर की चित्रकला तकनीकी क्या है? ए भविष्यवाद, बी अभिव्यक्तिवाद, सी यथार्थवाद, डी घनवाद। तो प्रश्न संख्या 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गगनेंद्रनाथ की चित्रकला की तकनीकी है घनवाद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, गगनेंद्रनाथ ठाकुर किस भारतीय कला आंदोलन से संबंधित हैं? ए सुरीलवाद, बी घनवाद, सी तंत्रकला, डी सिंक्रोनिज्म। तो प्रश्न संख्या 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गगनेंद्रनाथ ठाकुर भारतीय कला आंदोलन घनवाद से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है
आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन थे? आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन थे? ए यामिनी राय, बी रविन्द्रनाथ, सी गगनेन्द्रनाथ, डी अवनींद्रनाथ। तो प्रश्न संख्या 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवनींद्रनाथ भारतीय चित्रकला के पितामह हैं। आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह अवनींद्रनाथ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ किस शैली से संबद्ध थे? ए कंपनी, बी अवध, सी बंगाल, डी राजस्थान। तो प्रश्न संख्या 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ जो है वह बंगाल शैली से संबद्ध कलाकार थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन से कलकत्ता कला विद्यालय या कलकत्ता कला महाविद्यालय के प्रिंसिपल थे? ए पर्सी ब्राउन, बी वी एम विल्किंसन, सी ई वी हैवेल, डी सुनैना देवी। तो प्रश्न संख्या 125 यानी 25 का आंसर होगा ऑप्शन सी, कलकत्ता कला महाविद्यालय के प्रिंसिपल ई वी हैवेल थे। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, लोक कला पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए? ए नंदलाल बोस, बी मनीषी डे, सी डी पी राय चौधरी, डी यामिनी राय। तो प्रश्न संख्या 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यामिनी राय ने लोक कला पर आधारित चित्र बनाए थे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल व शाहजहाँ की मृत्यु किस कलाकार का चित्र है? ताजमहल व शाहजहाँ की मृत्यु किस कलाकार का चित्र है? ए गगनेन्द्रनाथ, बी यामिनी राय, सी अवनी बाबू, डी मनीषी डे। तो प्रश्न संख्या 127 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवनींद्रनाथ का यह चित्र है। शाहजहाँ की मृत्यु व ताजमहल नामक जो चित्र है इसके चित्रकार हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, शिव का विस्पान किसके या किसने चित्रित किया? शिव का विस्पान नामक चित्र किस कलाकार द्वारा चित्रित किया गया है? ए अवनी बाबू, बी बाबू मोसाय, सी अमृता शेरगिल, डी हुसैन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबू मोसाय यानी नंदलाल बोस। नंदलाल बोस को शांतिनिकेतन में बाबू मोसाय कहकर पुकारा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कच्छ देवयानी चित्र किसका है? कच्छ देवयानी नामक चित्र के चित्रकार कौन है? ए बिंद्रे, बी नंदलाल बोस, सी असित कुमार हल्दर, डी हुसैन। तो प्रश्न संख्या 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा। कच्छ देवयानी नामक जो चित्र है उसके चित्रकार हैं असित कुमार हल्दर। तो प्रश्न संख्या 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मेघदूत किसने चित्रित किया? मेघदूत नामक जो चित्र है उसके चित्रकार कौन है? ए असित कुमार हल्दर, बी हेबर, सी बेंद्रे, डी सूजा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघदूत नामक चित्र जो है उसके चित्रकार है भी असित कुमार हल्दर हैं। कच्छ देवयानी और मेघदूत यह दोनों चित्र असित कुमार हल्दर द्वारा चित्रित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 131 यानी 31, भागीरथ और गंगा नामक चित्रों को किसने चित्रित किया? भागीरथ और गंगा नामक चित्रों को किसने चित्रित किया? ऑप्शन ए अमृता शेरगिल, बी प्रमोद कुमार चटर्जी, सी तैयब मेहता, डी हुसैन। तो प्रश्न संख्या 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रमोद कुमार चटर्जी द्वारा चित्रित किया गया है। भागीरथ और गंगा नामक दो चित्र हैं जो इसके चित्रकार हैं प्रमोद कुमार चटर्जी। तो प्रमोद कुमार चटर्जी ने यह चित्र बनाया है। अगला प्रश्न है, एक बंदी राजकुमारी का अनूठा अफसाना, एक बंदी राजकुमारी का अनूठा अफसाना किसका चित्र है? ए हेबर, बी भावेश सन्याल, सी गगनेन्द्रनाथ, डी ई वी हैवेल। तो प्रश्न संख्या 32 का आंसर होगा ऑप्शन सी, एक बंदी राजकुमारी का अनूठा सपना। यह चित्र जो है बहुत कम सुनने को मिला है और देखने को भी, तो आप लोग एक बार इसे सर्च जरूर करिएगा अपनी पुस्तकों में या गूगल से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गगनेन्द्रनाथ का यह चित्र है, एक बंदी राजकुमारी का अनूठा अफसाना जो चित्र है इसके चित्रकार हैं गगनेन्द्रनाथ। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, नारी नामक चित्र किसने बनाया है? नारी नामक चित्र जो है किसने बनाया है? तो ऑप्शन ए मनीषी डे, बी नंदलाल बोस, सी अमृता शेरगिल, डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नारी नामक चित्र के चित्रकार हैं मनीषी डे। अगला प्रश्न है, यशोदा और
बालक कृष्ण किसका चित्र है? यशोदा और बालक कृष्ण के चित्रकार कौन हैं? ए शैलेंद्रनाथ, डे बी गुजराल, सी हुसैन, डी राजा। तो प्रश्न संख्या 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यशोदा और बालक कृष्ण नामक जो चित्र है इसके चित्रकार हैं शैलेंद्रनाथ डे। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, शैलेंद्रनाथ डे। अगला प्रश्न है, नर्तक अम्रपाली नामक चित्र किसने बनाया? नर्तक अम्रपाली नामक चित्र के चित्रकार कौन हैं? ए आनंद कुमार स्वामी, बी रवि राजा रवि वर्मा, सी नंदलाल बोस, डी अमृता शेरगिल। तो प्रश्न संख्या 35 यानी 35 का आंसर होगा ऑप्शन सी, नंदलाल बोस द्वारा यह चित्र चित्रित किया गया है। नर्तकी अम्रपाली नामक जो चित्र है इसके चित्रकार हैं नंदलाल बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, स्वर्ण कुंभ नामक चित्र नंदलाल बोस का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो स्वर्ण कुंभ नामक जो चित्र है इसके चित्रकार नंदलाल बोस हैं, परंतु यह किस शैली में बनाया गया है, यह किस तकनीक में बनाया गया है? ए तैल, बी जलीय, सी वास, डी टेम्परा। तो प्रश्न संख्या 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेम्परा तकनीक में यह चित्र चित्रित किया गया है। स्वर्ण कुंभ नामक चित्र के चित्रकार नंदलाल बोस हैं, परंतु यह टेम्परा शैली में चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, विनोद बिहारी मुखर्जी किस शैली के प्रमुख चित्रकार रहे? विनोद बिहारी मुखर्जी किस शैली के प्रमुख चित्रकार रहे? ए भित्ति चित्रण, बी लघु चित्रण, सी टेम्परा चित्रण, डी तैल चित्रण। तो प्रश्न संख्या 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनोद बिहारी मुखर्जी किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए होगा, भित्ति चित्रण, भित्ति चित्रण के प्रमुख चित्रकार थे विनोद बिहारी मुखर्जी। तो ऑप्शन ए सही होगा, भित्ति चित्रण। अगला प्रश्न है, कौन सा चित्रकार एक कैलीग्राफर भी था? ए राजा रवि वर्मा, बी नंदलाल बोस, सी रविनाथ टैगोर, डी यामिनी राय। तो प्रश्न संख्या 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही होगा, रविनाथ टैगोर जो है वह एक कैलीग्राफर भी थे। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सह अस्तित्व किसका चित्र है? सह अस्तित्व नामक चित्र के चित्रकार कौन है? ए हल्दर, बी हैवेल, सी आरा, डी मंजीत बाबा। तो प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन ए सही होगा, सह अस्तित्व नामक चित्र जो है इसके चित्रकार हल्दर हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40, बंगाल शैली का कौन सा चित्रकार था जिसने कालीघाट के पट चित्रों से प्रभावित होकर चित्रण किया था? ए हुसैन, बी मुकुल डे, सी नंदलाल बोस, डी यामिनी राय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यामिनी राय जो है वह बंगाल शैली के कलाकार थे, परंतु यह कालीघाट के पट चित्रों से प्रभावित होकर चित्रण करते थे या चित्रण किया है इन्होंने। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, अंतिम यात्रा नामक चित्र किसने चित्रित किया? अंतिम यात्रा नामक चित्र के चित्रकार कौन हैं? ए ईवी हैवेल, बी अवनी बाबू, सी यामिनी राय, डी आरा। तो अंतिम यात्रा नामक चित्र के चित्रकार कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतिम यात्रा नामक चित्र के चित्रकार हैं अवनी बाबू यानी अवनींद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, सती नामक नंदलाल बोस का चित्रण किस शैली में है? सती नामक नंदलाल बोस का चित्रण किस शैली में है? सती जो चित्र है इसके चित्रकार हैं नंदलाल बोस, पर इस यह किस शैली में या किस माध्यम में चित्रित किया गया है? ए टेम्परा, बी वास, सी जलीय, डी तैल चित्रण। तो प्रश्न संख्या 42 का आंसर होगा ऑप्शन बी, वास शैली में यह चित्रित किया गया है। सती नामक जो चित्र है इसके चित्रकार नंदलाल बोस है और यह वास शैली में चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? ए ईवी हैवेल, बी यामिनी रॉय, सी अवनी बाबू, डी रविंद्रनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नंदलाल बोस अवनी बाबू के शिष्य थे। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, शकुंतला वियोग किसने चित्रित किया? शकुंतला वियोग नामक चित्र को किसने बनाया? ए राजा रवि वर्मा, बी अमृता शेरगिल, सी
नंदलाल बोस, डी अवनी बाबू। तो प्रश्न संख्या 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा रवि वर्मा द्वारा यह चित्र चित्रित किया गया है, शकुंतला वियोग। अगला प्रश्न है, वह कौन समकालीन चित्रकार है जो एक फिल्म स्टार के चित्रों की प्रदर्शनी लगा चुका है। ए सुजा, बी रजा, सी आरा, डी हुसैन। तो प्रश्न संख्या 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो हुसैन वह समकालीन चित्रकार थे जिन्होंने फिल्म स्टार के चित्रों की प्रदर्शनी लगा चुके हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, ढोलकिया ढोलकिया चित्र किसका है, ढोलकिया चित्र के चित्रकार कौन है। ए हुसैन, बी आरा, सी सुजा, डी रजा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ढोलकिया नामक चित्र के चित्रकार हैं हुसैन। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, हुसैन द्वारा चित्रित किया गया है ढोलकिया। अगला प्रश्न है, विश्व की चित्रकला विषय में प्रथम महिला डीलिट कौन है। तो विश्व की चित्रकला विषय में प्रथम महिला डीलिट कौन है। ए डॉक्टर प्रेमा मिश्रा, बी डॉक्टर प्रेमा श्रीवास्तव, सी डॉक्टर चित्रलेखा सिंह, डी डॉक्टर पूर्णिमा तिवारी। तो प्रश्न संख्या 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व की चित्रकला विषय में प्रथम महिला डीलिट हैं डॉक्टर चित्रलेखा सिंह। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में रामचंद्र शुक्ल किस भारतीय समकालीन से संबंधित हैं। तो भारत में रामचंद्र शुक्ल किस भारतीय समकालीन से संबंधित हैं। ए समीक्षावाद, बी जंगलवाद, सी यथार्थवाद, डी प्रभाववाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समीक्षावादी कलाकार थे रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा विवादित चित्रकार है। तो इसमें से कौन विवादित चित्रकार था, ऑप्शन ए बी प्रभा, बी अर्पिता सिंह, सी अंजलि इलामिनन, डी प्रेमा मिश्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्पिता सिंह जो है यह एक विवादित चित्रकार हैं। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस कलाकार ने तैल रंगों में चित्रण कार्य किया। भारत में सर्वप्रथम किस कलाकार ने तैल रंगों में चित्रण कार्य किया। ए अवनी बाबू, बी नंदलाल बोस, सी यामिनी रॉय, डी राजा रवि वर्मा। भारत में सर्वप्रथम किस कलाकार ने तैल रंगों में चित्रण कार्य किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा रवि वर्मा ने। ऑप्शन डी सही होगा, राजा रवि वर्मा ने। अगला प्रश्न है, आधुनिक चित्रकार सबसे अधिक किसको महत्व देते हैं। तो आधुनिक चित्रकार सबसे अधिक किसका महत्व देते हैं या किसको महत्व देते हैं। ए अमूर्त, बी मूर्त, सी दृश्य चित्रण, डी वास्तु चित्रण। तो प्रश्न संख्या 151 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आधुनिक चित्रकार जो हैं वह अमूर्तता की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए अमूर्त। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा को किस ब्रिटानी कलाकार से शिक्षा दी थी। राजा रवि वर्मा को किस ब्रिटानी कलाकार ने शिक्षा दी थी। ए थियोडोर जॉनसन, बी पर्सी ब्राउन, सी ईवी हेवेल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थियोडोर जॉनसन ने राजा रवि वर्मा को कला की शिक्षा दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा का चित्र वीड़ावादिनी को किस माध्यम में बनाया गया है। ए जल रंग में, बी टेम्परा में, सी तैलीय, डी मिक्स मीडिया। तो प्रश्न संख्या 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तैल रंग यानी तैलीय माध्यम में चित्रण किया गया है। वीड़ावादिनी वीड़ावादिनी नामक चित्र के चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा और इसे तैल रंग में चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न बहुत बड़ा है, इसे समझने का प्रयास करिएगा, प्रश्न को फिर आंसर दीजिएगा। चित्रकला संसार की वह जीव वस्तु है जिससे हम कभी पृथक नहीं हो सकते। हमारे जीवन के प्रत्येक शुभाशुभ अवसर पर चित्रकला दृष्टि में आती है। मानव जो कुछ देखता है या अनुभव करता है उन्हीं वस्तुओं को वह कागज, दीवार, पत्थर आदि पर रंग व तूलिका द्वारा चित्रित करता है। चित्रित वास्ता के पश्चात हम उस अनुभव के मूल परिणाम को चित्र और उसके विज्ञान को चित्रकला कहते हैं।
जीवन के अनुभवों को निरीक्षण की परिधि में सिमेट कर जो व्यक्ति रंग एवं रेखाओं द्वारा सबके सामने रखता है उसे ही वस्तुतः चित्रकार कहते हैं। यह उक्त विचार किस कलाकार का है? तो ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी आनंद कुमार स्वामी, सी शैलेंद्रनाथ डे, डी मनीषी डे। तो प्रश्न संख्या 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शैलेंद्रनाथ डे का यह कथन है, यह उपयुक्त विचार है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसकी द्वारा लिखी गई है? या भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक लिखी थी ए अबुल फजल ने, बी आदेश श्रीवास्तव ने, सी डॉक्टर राम विलास शर्मा ने, डी शैलेंद्रनाथ डे ने। तो प्रश्न संख्या 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शैलेंद्रनाथ डे द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है भारतीय चित्रकला पद्धति। के वेंकटप्पा ने लघु चित्रण तकनीकी को अपनाया, वह किस शैली में से प्रभावित रही है? तो के वेंकटप्पा ने लघु चित्रण तकनीकी को अपनाया, वह किस शैली से प्रभावित रही? ए मुगल व ईरानी, बी राजस्थानी व जापानी, सी राजस्थानी व मुगल, डी मुगल व जापानी। तो प्रश्न संख्या 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थानी व मुगल शैली से प्रभावित रहे हैं के वेंकटप्पा। अगला प्रश्न है भारतीय अंग्रेज सरकार द्वारा खान बहादुर का खिताब किसे मिला? ए यामिनी राय को, बी गगनेन्द्र नाथ को, सी मनीषी डे को, डी एम अब्दुल रहमान चगुताई को। तो प्रश्न संख्या 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद अब्दुल रहमान चगुताई को खान बहादुर खिताब प्राप्त हुआ भारतीय अंग्रेज शासक या शासनकाल में या सरकार में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद अब्दुल रहमान चगुताई। अगला प्रश्न है मुगल शासन में किसके वंशज भवन शिल्पी थे? तो मुगल शासन में किसके वंशज जो है वह भवन शिल्पी थे? ए रजा के, बी तैयब मेहता के, सी अब्दुल रहमान चगुताई के, डी हुसैन के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अब्दुल रहमान चगुताई के वंशज जो थे वह मुगल शासन में भवन शिल्पी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है बुझी लव नामक चित्र किस कलाकार का है? ए अब्दुल रहमान चगुताई, बी हिम्मत शाह, सी रणवीर सिंह बिष्ट, डी अमृता शेरगिल। तो बुझी लव नामक जो चित्र है इसके चित्रकार कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुल रहमान चगुताई, इसके चित्रकार हैं अब्दुल रहमान चगुताई। बुझी लव नामक चित्र के चित्रकार हैं अब्दुल रहमान चगुताई। अगला प्रश्न है चगुताई भारत विभाजन के बाद चले गए। तो चगुताई जो है वह भारत विभाजन के बाद कहाँ चले गए, किस देश में चले गए? ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी लंदन, डी अफगानिस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अब्दुल रहमान चगुताई भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए। अगला प्रश्न है चगुताई ने छापा चित्रण में कौन सी पद्धति अपनाई? ए एचिंग की, बी वुडकट, सी लिनोकट, डी एनग्रेविंग। तो चगुताई ने छापा चित्रण में कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एचिंग पद्धति अपनाई थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है यह प्रश्न भी थोड़ा सा विचारों या कथनों से संबंधित है, तो इसको भी समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यह सभी प्रश्न इस प्रकार इस समय बहुत पूछे जा रहे हैं कथन वगैरह। तो चलिए देखते हैं। तुम केवल चित्रकार ही नहीं कवि भी हो, यही कारण है कि तुम्हारी तुलिका से रसधारा बहती है, यह कथन रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके लिए लिखा था? ए अवनींद्रनाथ टैगोर के लिए, बी नंदलाल बोस के लिए, सी असित कुमार हल्दर के लिए, डी गगनेन्द्रनाथ के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असित कुमार हल्दर के लिए रविन्द्रनाथ ने लिखा था कि तुम केवल चित्रकार ही नहीं कवि भी हो, यही कारण है कि तुम्हारी तुलिका से रसधारा बहती है। तो यह कथन जो है रविन्द्रनाथ ने असित कुमार हल्दर के लिए लिखा था, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है
अवनींद्रनाथ के प्रमुख शिष्य एवं बंगाल स्कूल के विकास में सहयोगी होने पर भी स्वयं को आधुनिकता में नहीं ढाल पाए। ए असित कुमार हल्दर, बी छितिननाथ मजुमदार, डी नंदलाल बोस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छितिन्द्रनाथ मजुमदार। अवनींद्रनाथ के प्रमुख शिष्य एवं बंगाल स्कूल के विकास में सहयोगी होने पर भी वह स्वयं को आधुनिकता में नहीं ढाल पाए। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, छितिन्द्रनाथ मजुमदार। अगला प्रश्न है, छितिन्द्रनाथ के रंगवारेखाओं में मध्यकालीन कवियों का आभास होता है। तो एक बार प्रश्न फिर से समझेंगे, छितिन्द्रनाथ के रंगवारेखाओं में मध्यकालीन कवियों का आभास होता है, उपर्युक्त कथन किसका है? तो यह कथन छितिन्द्रनाथ मजुमदार जी के बारे में बोला गया है, और किसने बोला है? ए रविन्द्रनाथ टैगोर का, बी आनंद कुमार स्वामी का, सी जयाप्पा स्वामी, डी मुकुल चंद्र डे। तो प्रश्न संख्या 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयाप्पा स्वामी ने छितिन्द्रनाथ मजुमदार जी के बारे में, उनके चित्रों के बारे में बोला है कि छितिन्द्रनाथ के रंग व रेखाओं में मध्यकालीन कवियों का आभास होता है। अगला प्रश्न है, किस कलाकार की अधिकांश उत्कृष्ट मौलिक कृतियां बंगाल के महान संत चैतन्य प्रभु के आध्यात्मिक जीवन से प्रेरित है? ए रविशंकर रावल की, बी रंगोपाल विजयवर्गीय की, सी शारदा चरण वकील की, डी छितिन्द्रनाथ मजुमदार की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छितिन्द्रनाथ मजुमदार जो है, इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के ऊपर बहुत ही सारे चित्र चित्रित किए हैं, तो इसलिए इन्हें चैतन्य सिद्ध कलाकार भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, संकोची होने के कारण आत्म प्रचार से भी दूर रहे तथा अपनी कला को वादग्रस्त नहीं बताया। ए एम एफ हुसैन, बी छितिन्द्रनाथ मजुमदार, डी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी राजा रवि वर्मा। तो प्रश्न संख्या 66 का आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन बी छितिन्द्रनाथ जो थे वह संकोची होने के कारण आत्मप्रचार से भी दूर रहे तथा अपनी कला को वादग्रस्त नहीं बताया है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, शारदा चरण वकील का जन्म स्थान है? ए रंगून, बी मुंबई, सी ढाका, डी इस्लामाबाद। तो प्रश्न संख्या 67 यानी 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ढाका। शारदा चरण वकील का जन्म हुआ था ढाका में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, शारदा वकील स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किस सन में की? ए 1926 ईस्वी में, बी 1925 ईस्वी में, सी 1930 में, डी 1921 में। तो प्रश्न संख्या 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शारदा चरण वकील ने शारदा वकील स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना 1926 में की थी, तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कला के प्राच्य व पाश्चात्य दृष्टिकोण में प्रमुख अंतर यही है कि यदि कोई यूरोपियन किसी वृक्ष को चित्रित करता है तो वह उसकी यथार्थ रूपरेखा बाह्य कलेवर पत्ते टहनी शाखा तना सभी हूबहू दर्शा देगा, किंतु कोई भारतीय कलाकार उसी वृक्ष को चित्रित करेगा तो वह वृक्ष की स्थूल रूपरेखा तक ही सीमित न रहकर मुड़ी तुड़ी शाखाओं पत्ते और जड़ के साथ उसकी आत्मा में प्रविष्ट हो जाएगा। उक्त विचार किसने दिया है? ए आनंद कुमार स्वामी ने, बी शारदा चरण वकील ने, डी प्रताप नारायण मिश्र ने, सी रामचंद्र शुक्ले ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शारदा चरण वकील का यह कथन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बंकिंघम पैलेस में किंग जॉर्ज पंचम द्वारा जुबली मेडल व कोरोनेशन मेडल से मुकुल चंद्र डे को किस सन में सम्मानित किया गया? तो बंकिंघम पैलेस में जॉर्ज पंचम द्वारा जुबली मेडल तथा कोरोनेशन मेडल मुकुल चंद्र डे को कब दिया गया? ए 1927 में, बी 1937 में, सी 1917 में, डी 1957 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1927 में मुकुल चंद्र डे को जुबली मेडल तथा कोरोनेशन मेडल प्राप्त किया या दिया गया। अगला प्रश्न है, मुकुल चंद्र डे शिकागो सोसाइटी ऑफ एचिंग आर्टिस्ट में रहे
तो वह किस पद पर रहे? मुकुलचंद डे जो हैं वह शिकागो सोसाइटी ऑफ एचिंग आर्टिस्ट में रहे हैं, परंतु वह किस पद पर रहे? ए महासचिव, बी कोषा अध्यक्ष, सी सदस्य, डी अध्यक्ष। तो प्रश्न संख्या 171 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सदस्य रहे हैं, शिकागो सोसाइटी ऑफ एचिंग आर्टिस्ट में सदस्य रहे हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, मुकुल चंद्र डे गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता के प्रधानाचार्य पद से कार्यमुक्त हुए। ए 1945, बी 1954, सी 1942, डी 1944। तो प्रश्न संख्या 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुकुल चंद्र डे गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता के प्रधानाचार्य पद से कार्यमुक्त कब हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1944 में। अगला प्रश्न है, अध्ययनोपरांत सुधीर रंजन खस्तगिर ने सिंधिया स्कूल ग्वालियर में लगभग कितने वर्ष शिक्षण कार्य किया? ए 8 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी 4 वर्ष। तो अध्ययनोपांतर में जब वो पढ़ाई कर रहे थे सुधीर रंजन खस्तगिर, उसी समय सिंधिया कला स्कूल या सिंधिया स्कूल में ग्वालियर में वह कितने वर्ष शिक्षण कार्य किए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 वर्ष। अगला प्रश्न है, सुधीर रंजन खस्तगिर भारत सरकार द्वारा पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किए गए। तो सुधीर रंजन खस्तगिर को भारत सरकार ने पद्मश्री से कब सम्मानित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1950, बी 1956, सी 1944, डी 1927। तो प्रश्न संख्या 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1950 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया सुधीर रंजन खस्तगिर को। और पद्मश्री पाने वाले यह पहले कलाकार हैं। तो सुधीर रंजन खस्तगिर को सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 75 या 75, 1956 ईस्वी में सुधीर रंजन खस्तगिर को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ में प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया, जहां से सेवानिवृत्त हुए थे। ए 1960 में, बी 1961 में, सी 1962 में, डी 1963 में। तो प्रश्न संख्या 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुधीर रंजन खस्तगिर को 1956 में कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ के प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया था और यह 1961 में सेवानिवृत्त हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भिक्षुड़ी माँ नामक चित्र किसने चित्रित किया? भिक्षुड़ी माँ नामक चित्र के चित्रकार कौन हैं? ए रामगोपाल विजयवर्गीय, बी नंदलाल बोस, सी सुधीर रंजन खस्तगिर, डी यामिनी रॉय। तो प्रश्न संख्या 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुधीर रंजन खस्तगिर द्वारा चित्रित किया गया है। भिक्षुड़ी माँ नामक चित्र जो है सुधीर रंजन खस्तगिर द्वारा चित्रित किया गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, रामगोपाल विजय वर्गीय का जन्म राजस्थान के किस स्थान पर हुआ? ए दौसा में, बी अजमेर में, सी भरतपुर में, डी बालेरग्राम में। तो प्रश्न संख्या 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बालेरग्राम में रामगोपाल विजय वर्गीय का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, रामगोपाल विजय वर्गीय का चित्र राधा का श्रृंगार को किस धरातल पर बनाया गया है? ए सिल्क, बी पत्थर, डी कागज, सी दीवाल। तो प्रश्न संख्या 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिल्क पर चित्रित किया गया है। राधा का श्रृंगार नामक चित्र उसे रामगोपाल विजय वर्गीय ने चित्रित किया है सिल्क पर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा, सिल्क। अगला प्रश्न है, रामगोपाल विजय वर्गीय का स्वर्गवास हो गया था, तो रामगोपाल विजय वर्गीय का स्वर्गवास कब हुआ था? ए 10 मई 2003 को, बी 4 मई 2003 को, सी 10 अप्रैल 2003 को, डी 18 जनवरी 2002 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 मई 2003 को रामगोपाल विजय वर्गीय का स्वर्गवास हो गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा, 2003, 4 मई 2003।
अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस का चित्र हरिपुरा पोस्टर सीरीज किस माध्यम में बनाया गया है? जो कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा था उसमें नंदलाल बोस ने पोस्टर सीरीज चित्र बनाया था, तो वह किस माध्यम में बनाया गया था? ए जलीय, बी तैलीय, सी पेस्टल, डी टेम्परा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेम्परा माध्यम में बनाया था हरिपुरा पोस्टर सीरीज नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न है, रामगोपाल विजय वर्गीय के मेघदूत का चित्रांकन किस पद्धति में किया गया? ए तैलीय, बी टेम्परा, सी क्रेयॉन, डी वास पद्धति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वास पद्धति में रामगोपाल विजय वर्गीय का मेघदूत जो चित्र है उसे वास पद्धति में चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस को शांति निकेतन में कला भवन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो नंदलाल बोस को शांति निकेतन के कला भवन में अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया? ए 1925 ईस्वी में, बी 1922 ईस्वी में, सी 1951 ईस्वी में, डी 1919 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1922 में शांति निकेतन के कला भवन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कला भवन की बात आए तो कला भवन जो है कोलकाता में स्थित है और भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है और भारत भवन भोपाल में स्थित है। यह आप सब याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि कला भवन कहाँ स्थित है, भारत कला भवन कहाँ स्थित है और भारत भवन कहाँ स्थित है। तो कला भवन कोलकाता, भारत भवन भोपाल, भारत कला भवन वाराणसी। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस ने बाघ गुफा के चित्रों की अनुकृतियां किस सन में बनाई? ए 1937, बी 1938, सी 1939, डी 1922। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1922 में नंदलाल बोस ने बाघ गुफा चित्रों की अनुकृतियां तैयार की। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, नंदलाल ने बड़ोदरा के कीर्ति मंदिर के भित्ति चित्र बनाए हैं। तो नंदलाल बोस ने बड़ोदरा के कीर्ति मंदिर में भित्ति चित्र कब बनाया है? ए 1939 में, बी 1922 में, सी 1940 में, डी 1965 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1939 में नंदलाल बोस ने बड़ोदरा के कीर्ति मंदिर में भित्ति चित्र बनाए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस को भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया? ए 1965 ईस्वी में, बी 1954 में, सी 1952 में, डी 1938 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1954 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया नंदलाल बोस को 1954 में। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस को रविंद्र शताब्दी पदक से सम्मानित किया गया। नंदलाल बोस को रविंद्र शताब्दी पदक से कब सम्मानित किया गया? ए 1940 ईस्वी में, बी 1963 ईस्वी में, सी 1965 ईस्वी में, डी 1952 ईस्वी में। नंदलाल बोस को कब सम्मानित किया गया रविंद्र शताब्दी पदक से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1965 में रविंद्र शताब्दी पदक से सम्मानित किया गया था नंदलाल बोस को। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 87, नंदलाल बोस को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU से डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई? ए 1950 में, बी 1939 में, सी 1922 में, डी 1940 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1939 में, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1950 में। प्रश्न संख्या 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1950 में BHU ने नंदलाल बोस को डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1950। अगला प्रश्न है, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता से डीलिट की उपाधि नंदलाल बोस को प्राप्त हुई? ए 1965 में, बी 1963 में, सी 1950 में, डी 1954 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1963 में नंदलाल बोस को रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि मिली और 1950 में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई थी। तो रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से 1963 में और BHU से 1950 में। तो नंदलाल बोस को दो डीलिट की उपाधियां प्राप्त हुई हैं, तो दोनों को याद रखिएगा कौन सी कब मिली, BHU की जो है 1950 में और रविंद्र भारती विश्वविद्यालय 1963 में। अगला प्रश्न है, जन्मता ही लोक कला से
स्रोतों लोक कला के स्रोतों की ओर आकर्षित थे। तो जन्मता से ही लोक कला के स्रोतों की ओर आकर्षित थे वह कौन कलाकार थे? ए अमृता शेरगिल, बी यामिनी राय, सी हुसैन, डी गगनेंद्र नाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यामिनी राय जो थे वह जन्मता से ही लोक कला की ओर आकर्षित थे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, यामिनी राय के दृश्य चित्र किससे प्रभावित थे? ए प्रभाववाद से, बी घनवाद से, सी यथार्थवाद से, डी जंगलवाद से। तो यामिनी राय के दृश्य चित्र किस वाद से प्रभावित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रभाववाद से प्रभावित थे। तो ऑप्शन ए सही होगा, यामिनी राय के दृश्य चित्र प्रभाववाद से प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, जैसे बच्चा हो उसे गोदी में ले लेते हैं ऐसे ही मेरी कला है, मैं तो लिखना पढ़ना नहीं जानता, बच्चे मेरे गुरु हैं, जब मुझे रास्ता नहीं मिला तब बाल स्वभाव और सहज रुचियों में से मैंने रास्ता पकड़ लिया, सबके भीतर जो असल आत्मा है वह बालक है। यह उक्त कथन किसका है? ए रविन्द्रनाथ टैगोर का, बी यामिनी राय का, सी कृष्ण खन्ना का, डी कृष्णा एन रेड्डी का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह उक्त कथन यामिनी राय का है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, यामिनी राय। अगला प्रश्न है, यामिनी राय ने सूत्र पात्र किया, ए शिल्पी चक्र का, बी यंग तुर्कस का, सी आज कलाकार समूह का, डी टखमढ़ 28 का। तो यामिनी राय ने सूत्रपात्र किया था, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, दिल्ली शिल्पी चक्र का। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कब की? ए 1920 में, बी 1921 में, सी 1919 में, डी 1924 में। तो शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना रविंद्रनाथ ने कब की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1919 में शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना हुई थी। भारत कला भवन की स्थापना राय कृष्णदास ने 1920 में की थी। अगला प्रश्न है, टैगोर ने शांति निकेतन को विश्व भारती विश्वविद्यालय का स्वरूप देकर भारतीय विश्वविद्यालय में प्रथम ललित कला संकाय स्थापित किया था, ए 1921 में, बी 1920 में, सी 1930 में, डी 1931 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1921 में रविन्द्रनाथ ने शांति निकेतन को विश्व भारती विश्वविद्यालय का स्वरूप देकर भारतीय विश्वविद्यालय में प्रथम ललित कला संकाय स्थापित किया था 1921 में। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटेड की उपाधि कब मिली? ए 1910 में, बी 1915 में, सी 1912 में, डी 1921 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटेड की उपाधि प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ के पिता देवेंद्रनाथ ने वीरभूम पश्चिम बंगाल में बनवाया था जिसका साहित्यिक अर्थ है? ए अशांति का निवास, बी शांति का निवास, सी देवताओं का निवास, डी अतिथियों का निवास। तो प्रश्न संख्या 96 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शांति का निवास। रविंद्रनाथ के पिता देवेंद्रनाथ ने वीरभूमि पश्चिम बंगाल में शांति का निवास बनवाया था जिसका साहित्यिक अर्थ है शांति का निवास। वीरभूम का साहित्यिक अर्थ है शांति का निवास। अगला प्रश्न है, टैगोर ने चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में हुई थी, तो कहाँ हुई थी? टैगोर की प्रथम प्रदर्शनी जो 1930 में हुई थी वह कहाँ पर हुई थी? ए पेरिस में, बी जापान में, सी मुंबई में, डी कोलकाता में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेरिस में हुई थी, रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रथम प्रदर्शनी पेरिस में 1930 में हुई थी। अगला प्रश्न है, टैगोर की कला पर प्रभाव किन कलाकारों का दिखाई देता है? ए पिकासो, डाली, मुंक, मोदिग्लियानी, बी एल ग्रेको, पीटर ब्रूगेल, राफेल गोया, सी गुस्ताव कुर्बे, रिम्ब्रा देलाक्रा, टर्नर, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 98 का आंसर हो जाएगा 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पिकासो, डाली, मुंक, मोदिग्लियानी की कला से या की कला का प्रभाव
रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों में दिखाई देता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, गगनेन्द्र नाथ ने चैतन्य महाप्रभु चरित माला चित्रण में जन्म से देह त्याग तक के चित्र हैं। गगनेन्द्र नाथ ने चैतन्य महाप्रभु चरित माला चित्रण में जन्म से देह त्याग तक के चित्र हैं। ए 12, बी 51, सी 21, डी 25। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21 चित्र हैं। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु वाले चित्रों में गगनेन्द्र नाथ ने किस तकनीक का प्रयोग किया है। तो चैतन्य महाप्रभु वाले चित्रों में किस तकनीक का प्रयोग गगनेन्द्र नाथ ने किया है। ए वास तकनीक में, बी ग्राफिक पद्धति में, सी टेम्परा तकनीक में, डी तैलीय चित्रण में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वास तकनीकी में प्रयोग किया है चैतन्य महाप्रभु वाले चित्रों में। अगला प्रश्न है और आज की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है, गगनेन्द्र नाथ ठाकुर ने घनवादी प्रयोग किए हैं। ए 1922 में, बी 1925 में, सी 1920 में, डी 1921 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1921 में गगनेन्द्र नाथ ठाकुर ने घनवादी प्रयोग किए हैं। तो कैसी लगी आज की क्लास, जो हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज स्टार्ट की गई उसकी आज दूसरी क्लास थी। तो कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसका आंसर देने में बताने में आप सभी को बहुत सारी सावधानी बरती गई हैं। अगर कोई गलती हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और उस पर अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।